हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फोटोशॉप 7.0 के अंदर दीपावली का पोस्टर कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक पोस्टर डिजाइन किया हुआ है अपनी फोटोशॉप के अंदर। सो दोस्तों, एक बैनर एक अलग चीज़ होता है, फ्लैक्स बैनर अलग चीज़ होता है, और जो पोस्टर होता है दोस्तों वो एक अलग चीज़ होता है। तो पोस्टर को आप लोग बनाकर और कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। तो इस तरह का दीपावली का जो पोस्टर होता है वो हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको दीपावली से रिलेटेड कोई पोस्टर बनाना है, और अगर आपको पोस्टर बनाना नहीं आता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में आ गए बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर इस जो यहाँ पर मैंने पोस्टर डिजाइन किया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर हमने ये पोस्टर डिजाइन किया है। कुछ इसी तरह का आप भी यहाँ पर पोस्टर डिजाइन कर सकते हो। और दोस्तों, जितने भी यहाँ पर मैं जो PNG वगैरह यूज़ करूँगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से इन जो भी मैं PNG यूज कर रहा हूँ वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर बनाना सीख लेते हैं दीपावली पोस्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लोज तो क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव एज पे क्लिक करके मैं इसको PSD में सेव कर रहा हूँ। तो मैंने PSD में सेव कर दिया है। अब मैं इसको नए सिरे से बनाना स्टार्ट करूँगा, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर फाइल पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों एक पेज बनाना है। सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टम चूज कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी नेम है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर इंच में लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंच सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें 4 फुट वाला चाहिए हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो 24x24 हमने यहाँ पर ले लिया है, और रेजोल्यूशन 72 रखेंगे, या 300 रख सकते हो, या 1000 रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। मोड में आप लोग RGB चूज करोगे, उसके बाद में कंटेंट्स में वाइट चूज करके सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा पोस्टर वाला। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर हमने पेज ले लिया है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने बैकग्राउंड डाल के रखा हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है अपनी, कहीं से भी गूगल क्रोम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको उठाकर और यहाँ पर इस पेज पर छोड़ देंगे। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से पेज के अकॉर्डिंग हम इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर Ctrl+T बटन को प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और बड़ा करते जाएंगे, और यहाँ पर हमारा पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये पेज के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब थोड़ा सा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह देना चाहो तो आप लोग यहाँ से दे सकते हो, कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हो, यहाँ से आप लोग कंट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, आप सभी देशवासियों को, तो ये सब हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो सब लिखने के लिए हम टूल बार में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी फॉन्ट आपको लेना हो वो फॉन्ट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हम कलर चूज कर लेंगे ब्लैक, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख लिया है, आप सभी देशवासियों को, इस तरह से आपको लिख लेना है टेक्स्ट। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है दीपावली गोवर्धन पूजा और भैया दूज, जैसे यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इनकी PNG डाउनलोड की हुई है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबी हमारी ये वीडियो हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर ये PNG हमने डाउनलोड की हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पर ये हम PNG डाउनलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये PNG को सबको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारी सारी PNG यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक PNG को हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जैसा कि ये दीपावली वाला PNG है, तो इसको हम यहाँ पर मूव टूल की मदद से इसको उठाकर इसमें रख देंगे। तो हमारा ये इसको क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में इसको भी हम उठाकर यहाँ गोवर्धन वाली जो पूजा है, इसका भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, इसको भी उठाकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर ये भाई दूज वाला है, इसको भी उठाकर यहाँ पर डाल देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में ये हार्दिक शुभकामनाएं, इसको भी यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब सभी जो फॉन्ट है वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब सभी को आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, गोवर्धन पूजा का भी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं गोवर्धन पूजा कुछ इस प्रकार से ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये लग चुका है, देख सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें एक अपनी फोटो भी ऐड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टूल बार में आ जाएंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे और ये वाला ले लेंगे हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल। और लेने के बाद में रेडियस हम यहाँ पर 100 पिक्सल रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर देना है। पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम ये हार्दिक शुभकामने वाला है, इसको हम पकड़ के कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। शेप को भी कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और शेप को हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बढ़ा देंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा ऊपर से कम करेंगे और यहाँ पर हमारा ये शेप ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें नीचे कोई नाम वगैरह एड्रेस वगैरह देना हो तो आप लोग यहाँ पर नीचे दे सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर वापस से इसी शेप को ले लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर कलर चूज कर लेंगे। कलर आप लोग कोई से भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ऐड कर देना है, यहाँ पर देख सकते हो। और मूव टूल की मदद से आप इसको इधर उधर कर सकते हो, दाएं बाएं। तो यहाँ पर हमारा ये लग जाएगा। अब उसके बाद में इसका कलर चेंज करना है, तो कलर भी चेंज कर सकते हो आप। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर ओवरले पे हम क्लिक कर देंगे। कलर ओवरले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई एक कलर दे देंगे और यहाँ पर हमने ये वाला कलर ले लिया है। तो हमारा यहाँ पर कलर लग चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें एक फ़ोटो लगानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फ़ोटो है हमारे पास में, इस फ़ोटो को हमने ले लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इतना क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। और क्रॉप करने के बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे और शेप वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद में इस फोटो को इस शेप के ऊपर लेकर आ जाएंगे और कंट्रोल अल्ट और जी बटन को प्रेस कर देंगे, तो आपकी फ़ोटो इस शेप के अंदर चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो हमारी फ़ोटो लग चुकी है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस शेप पे चारों ओर स्ट्रोक देना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर शेप वाले लेयर पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में स्ट्रोक पे जाइए और लेयर स्टाइल पे जाइए, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद में कलर पे क्लिक कीजिए, ब्लैक कलर चूज कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम इनसाइड ले लेंगे, या फिर आप लोग सेंटर ले सकते हो, या फिर आप लोग आउटसाइड ले सकते हो, जैसा भी आपका मन करिए वैसा आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं और सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका स्ट्रोक लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर ये सही नहीं लग रहा है तो आप लोग यहाँ पर वापस से स्ट्रोक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम इनसाइड वाला ले लेते हैं, और या फिर आप लोग आउटसाइड वाला लेके देखते हैं एक बार, और कुछ इस प्रकार से हमारा ये आउटसाइड वाला लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा फोटो लग चुका है। अब उसके बाद में नीचे अगर आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पर टेक्स्ट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फॉन्ट एरियल में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो भी अगर आपको लिखना है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। जो भी आपका नाम हो वो आप लोग यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये नाम हमारा इस शेप के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको हम इस शेप के ऊपर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस शेप के ऊपर लेके जाएंगे। तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इस शेप पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये वाली लेयर हमारी ये वाली है, तो हम यहाँ पर ये वाली लेयर को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पकड़ के माउस से, तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर आ गया है, देख सकते हो दोस्तों नाम। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बीचों बीच कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और ऊपर रेड पे क्लिक कर देंगे। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो भी फॉन्ट देना चाहो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। काफ़ी सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो जो भी फॉन्ट अगर आपको देना है वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट दे रहा हूँ और ऊपर रेड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करूँगा और बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वाइट कलर को चूज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर रहने देंगे, इसको सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेयर पर जाएंगे, लेयर स्टाइल पर क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद में ब्लैक कलर को चूज कर लेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे। बढ़ाने के बाद में अब यहाँ पर हम शेडो पे क्लिक करेंगे और शेडो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा शेडो भी हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इस प्रकार से और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये नाम लिख चुका है, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट और अल्ट की मदद से थोड़ा सा मैं छोटा और कर लेता हूँ और इसको मैं ऊपर राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये जो नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमारी फोटो भी यहाँ पर लग चुकी है। अब उसके बाद में एक काम आपको और करना, आपको यहाँ पर फाइल पे जाना है, ओपन पे क्लिक करना है और ये वाली इमेज आपको ऐड कर लेनी है। ये वाली इमेज हमने यहाँ से डाउनलोड किया है गूगल से, तो यहाँ पर मैं इस इमेज को पकड़ के और यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर हमारी ये इमेज आ जाएगी। अब कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको शिफ्ट और अल्ट की मदद से छोटा कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और थोड़ा सा और छोटा करेंगे यहाँ पर, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लगाना है यहाँ पर देख सकते हो, या फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपका ये फोटो लग जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये फोटो लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद में बात आती है आपकी ये फॉन्ट वगैरह इसको सेट करने की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कि हार्दिक शुभकामनाएं ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाने के बाद में लेयर स्टाइल पे और कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पर ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हो। तो ग्रेडियंट कलर हमने दे दिया है और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम कलर ले लेंगे, हम यहाँ पर रेड लेंगे और ऊपर हम ब्लैक ले लेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हो। और उसके बाद में ओके पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये वाला कलर लग चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर कलर ले लेंगे ब्लैक, या फिर कोई और कलर आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, जैसे मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, तो यहाँ से हम ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉप शैडो डालना है, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे साइज कुछ इस प्रकार से, आप लोग यहाँ पर ड्रॉप शैडो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, अब उसके बाद में स्ट्रोक पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रोक और बढ़ा देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हो यहाँ पर हमने स्ट्रोक बढ़ा दिया है और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में दीपावली पे हम क्लिक करेंगे और लेयर स्टाइल पे जाएंगे, लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कलर ओवरले यहाँ पर ग्रेडियंट कलर देंगे, और डेट देने के बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर दे देंगे हम ब्लैक कलर, और यहाँ पर हम रेड कलर दे देंगे, चलो रेड दे देते हैं कलर, और यहाँ पर हम ब्लैक कलर को चूज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा कलर दे देंगे, जैसे कि ये वाला दे देते हैं, यहाँ पर ये वाला कलर हम दे देते हैं,
और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कलर लग चुका है। अब गोवर्धन पूजा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पहले तो हम इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गोवर्धन पूजा पे, और यहाँ पर लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और कलर ग्रेडेंट ओवरले इस पर हम क्लिक करेंगे और ग्रेडेंट कलर ले लेंगे। जो भी आप लेना चाहो वो कलर आप लोग यहाँ पर ले सकते। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी पर हमने देख सकते हो हमने कलर वगैरह सभी पे फिल कर लिया है। अब एक ऊपर वाला रह गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और लेयर पे जाएंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर ग्रेडिएंट ओवरले पे क्लिक करेंगे और एक कलर हम यहाँ पे भी दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी पर हमने कलर फिल कर लिया है। अब बात आती है सबके ऊपर हमने ड्रॉप शैडो और स्ट्रोक वगैरह लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे और लेयर स्टाइल पे क्लिक करके और यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कलर वाइट चूज कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका साइज बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हो। और ओके भी हम क्लिक करेंगे, या फिर आप ड्रॉप शैडो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं वाइट कलर का ड्रॉप शैडो दे रहा हूँ और यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम स्प्रेड को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा देंगे और साइज भी बढ़ा देंगे और ओके भी हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप शैडो लग चुका है। अब उसके बाद में दीपावली पे भी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कलर व्हाइट चूज कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका सही जाऊँ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया है साइज़। और उसके बाद में यहाँ पर हम ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर ब्लैक ही रखेंगे और थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज करके देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लगेगा ये, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो अगर आप डार रखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से ये ड्रॉप शैडो दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर हम ड्रॉप शैडो नहीं देंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखेंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने से पहले आपको ये वाली सारा ये सेटिंग्स सेव कर लेनी है। उसके लिए हम यहाँ पर न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब वो स्टाइल सेव करने का हमको ये फ़ायदा हो गया दोस्तों कि हम सब पे फटाफट से लगा सकते हैं स्ट्रोक और शैडो। यहाँ पर हम गोवर्धन पूजा वाली पे क्लिक कर देंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पर विंडो में जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अभी हमने सेव किया था तो यहाँ पर ये आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर लग जाएगा ऑटोमेटिकली और इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमने ये वाला कलर रखा है तो हम इस पर अलग से रहने देंगे, या फिर आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर पहले से ही वाइट शैडो पीछे वाइट बैकग्राउंड आया हुआ है तो इस तरह से ही रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर हमने गोवर्धन पूजा इसका थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया है, इसका हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका अलग से कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका चलते हैं लेयर पे, लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं वाइट कलर का स्ट्रोक ले लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट जो पोस्टर होता है वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है कुछ इस प्रकार से। सभी के अंदर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक पोस्टर डिजाइन कर लिया है। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग दीपावली का, गोवर्धन पूजा का, भाई दूज का आप लोग यहाँ पर पोस्टर डिजाइन कर सकते हो और उसको आप लोग कहीं पे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप लोग शेयर कर सकते हो। सो देखा दोस्तों हमने कितनी आसान तरीके से आज सीख लिया है कि अडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर दीपावली का पोस्टर डिजाइन कैसे किया जाता है। सो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में आ रही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।